अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में इंदिरा भवन बिलासपुर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की आगामी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो की जो मुहिम है पूरे देश में चलाई जा रही है, इसमें जिला बिलासपुर के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका फायदा आगामी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा और कांग्रेस पार्टी चारों लोकसभा की सीटें जीतकर परचम लहराएगी। आज इंदिरा भवन बिलासपुर के अंदर जिला युवा कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हमारे जिला बिलासपुर के प्रभारी OP ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष रजनीश मेहता जी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के प्रभारी नमन जी व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व महासचिव मोहित शर्मा जी ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज करवाई। आज की जो ये बैठक थी, इसका जो अहम मुद्दा था वह लोकसभा चुनाव थे। सभी विदित है कि कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है, उससे संभवतः जो आगामी लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी और हमारे युवा साथी बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ेंगे और देश के अंदर पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित होगी। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।